बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने नए सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कि थ्योरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसका पहला टॉपिक है और इसमें हम इसका कोड 3HG361 है और इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। नाम से ही जाहिर हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्सा है एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनर्जी कंजर्वेशन में हम एनर्जी के मुताबिक पढ़ेंगे, एनर्जी क्या चीज़ होती है और एनर्जी की यूटिलाइज, एनर्जी के सोर्सेज और इसके क्या क्या बचत है, कंजर्वेशन की उसकी बचत क्या क्या है और इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट पड़े यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का ला जो है वो पढ़ेंगे कि ला क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो क्या है एनर्जी के बारे में क्या बताता है और इसके साथ हम इसके फर्स्ट ला और सेकंड ला थर्मोडायनामिक्स का हम पढ़ेंगे कि एनर्जी के मुताबिक वो क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन ऑफ एनर्जी का बनाई, एनर्जी क्या चीज़ है। द अबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं या तवानाई कहते हैं। एग्जांपल, जब हम किसी बाल को दीवार पर मारते हैं तो वो बाल दोबारा हमारी तरफ वापस आती है, यानी कि जो हमने काम किया वो इसकी सलाहियत है उसका बॉडी की और जो उसने वर्क किया वो तवानाई उसके अंदर होती है। तो इसकी एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी तवानाई इसकी एग्जांपल्स हैं। काइनेटिक एनर्जी वही डेविटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज द पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन जो चेंज होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताती है। जैसे एक गाड़ी ने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और दूसरे पॉइंट पे जाके रुकी तो जो इसने तय किया वो उसकी चेंज ऑफ पोजीशन है वो पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाएगी। इसकी यूनिट्स हैं जोल्स और कैलोरी, ये इसके यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, ये हमें डिफाइन कर रहा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट बर्निंग और केमिकल चेंज इट कैन कन्वर्ट बट इट कन्वर्ट इंटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू एन अदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना इसको तबाह किया जा सकता है या इसको फना किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली हीट एनर्जी कन्वर्ट इंटू लाइट एनर्जी, वो कैसे, जैसे हमारे पास सन है ये हमें लाइट भी देता है और उसके साथ हमें ये हीट भी देता है। अब हम इसकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी एनर्जी में और इसी तरह इसकी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोलर आजकल आप जानते हैं कि बहुत ही मशहूर है, उससे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग की वजह से सोलर की बहुत अहमियत बढ़ गया। सोलर एक प्लेट होती है वो सन से हीट को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद वो हीट एनर्जी को जनरेटर के जरिए जो सोलर जनरेटर लगा होता है उससे वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ला हमें डिफाइंड किस चीज़ को करता है, ये नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन करता है कि जो एनर्जी को डिफाइन करता है जिसमें ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएटिव होता है। लेकिन ये क्या बताता है कि सम ऑफ एनर्जी बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस रिमेनिंग कांस्टेंट, ये हमें ये बताता है ला कि एनर्जी जितनी हमने प्रोड्यूस की है या बनी है वो प्रोसेस में और आफ्टर द प्रोसेस काम करने और काम करने के बाद वो क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। और यानी कि ना ही जितनी आपने यानी कि 10 जोल एनर्जी आपने यूटिलाइज किया है वर्क किया है या आपने सिस्टम में यूज किया है तो 10 एनर्जी ही आपकी आफ्टर द रिएक्शन उसके या उस काम के बाद उतनी ही रहेगी। जैसे आपने सोलर एनर्जी से 1000 किलोवाट एनर्जी आपने सन से अब्जॉर्ब की है, 1000 ही आपकी कन्वर्ट होगी आपकी लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रहेगी। इसकी दो स्टेट्स है, फर्स्ट आपका फास्ट स्टडी स्टेट सिस्टम और सेकंड आपका फॉर नॉन स्टडी स्टेट। फर्स्ट आपका जो फास्ट स्टडी स्टेट सिस्टम क्या होता है, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट
accumulation take place mathematically energy input is equal to output. जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया है कि जितनी energy आपकी use हो रही है उतनी ही आपकी output में भी equal होगी. इसमें यही बता रहा है कि जितनी आपने sun से energy absorb की उतनी energy आपकी electrical energy या light energy में convert हो रही है, वो constant ही रहेगी. और दूसरा नाम का नॉन स्टेडी स्टेट सिस्टम क्या होता है कि एनर्जी इनपुट इक्वल इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट प्लस अकुमुलेशन. मैथमेटिकली एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट प्लस अकुमुलेशन. यानी कि अकुमुलेशन मीन्स कि जितनी ज़्यादा आपने बनाई एनर्जी या जितनी एनर्जी आपने एक सिस्टम से ली है उतनी ही एनर्जी दूसरे सिस्टम में बराबर रहेगी. यानी कि जितनी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं वो उतनी ही रहेगी. जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, जैसे हमारे डैम से हम टर्बाइन लगाते हैं, टर्बाइन क्या करती है वाटर की एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में. मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी उसको लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मुख्तलिफ सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आई होप कि आपको इसका एनर्जी कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है इसका पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और उसकी जो पहला टॉपिक एनर्जी उसकी आपको उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसकी एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ से आती हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातों की समझ आएगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.